हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिब्रूगढ़ से 6-7 किलोमीटर दूर भगवान जगन्नाथ का मंदिर। ये लीजिए, हम लोग पहुंचने वाले हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर। यहाँ पूजा के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और मधु भी पूजा के लिए ज़रूरी सामान ले रही है। जल्दी हम लोग दर्शन के लिए चलेंगे। ये भगवान जगन्नाथ मंदिर का मुख्य द्वार। इससे पहले कि हम लोग जाए, पहले हम लोग हाथ पैर धो ले। बच्चे लोग धो रहे हैं, मैं भी धो लेता हूँ। तो चलिए, आप भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लें। जय हो भगवान जगन्नाथ की जय। यहाँ पे पूरे साल भक्तों का आना जाना लगा रहता है। सावन का महीना है, इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है। आज सोमवार है तो पहले शिव जी के दर्शन हो आते हैं। जय हो भोलेनाथ, जय शिव शंभु, जय देवाधिदेव महादेव की जय। मंदिर में धूप बाती जलाने की अनुमति नहीं है, इसलिए सब लोग बाहर ही दिया बत्ती जला रहे हैं। यहाँ एक मान्यता है कि नंदी या मूषक राज से हम लोग कोई भी विश मांगते वो पूरा हो जाता है। मधु और रिया ये दोनों भी विश मांग रही है, इनके कानों में शायद अपने लिए कुछ विश कर रही है। भगवान करे इनके विश पूरे हो। ये दुर्गा माँ का मंदिर है। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद में फिर हम लोग बजरंगबली के मंदिर में जाएंगे। चलिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लें। ये जगन्नाथ मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रिप्लिका है, हूबहू उसी स्टाइल में इसे बनाया गया है। अभी भगवान जगन्नाथ का भोग लगाने का समय है। भगवान जगन्नाथ की जय, भगवान जगन्नाथ की जय। तो फाइनली पूजा संपन्न हो गया, पूजा हम लोग कर ली, कर चुके हैं और अभी थोड़ा रिलैक्स कर लिए हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, आइए आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराते हैं। ये बजरंगबली का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर और ये शिव जी का मंदिर। और ये भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। हम लोग थोड़ा सा बैठे हुए, रिलैक्स किए हुए हैं। पूजा को पाठ थोड़ा हो गया, देख सकते हैं, और बहुत थके हुए हैं और कुछ खाना पीना भी नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा टायर्ड है। तो इधर बैठ के उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे जगन्नाथ मंदिर, जो भी और भी मंदिर है। और हम लोग और हमसे प्रोग्राम, क्योंकि सुबह में आए थे तो गर्मी नहीं था और अभी यहाँ पे धूप निकल गया, बहुत ही मतलब गर्मी है, फिर भी आराम लग रहा है। मंदिर के नीचे ताला लग गया, यहाँ पर बारह बजे के बाद बंद हो गया, तो खुलेगा 2:30 बजे। बस हम लोग का दर्शन हो गया, मेन टाइम में हम लोग आए। यहाँ पंखा चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और बेटी बोल रही है भूख लगा है, भूख लगा है उसको, रिया को भूख लगा है, भूख लगा है, बोले उपवास नहीं करेगा तो कुछ खिलाओ। यहाँ पे कैंटीन देख रहे हैं। दोपहर का समय है, बच्चे लोग भी भूखे हैं अभी। हम लोग कुछ कहेंगे भाई, गलत हो रहा है। खाना तुम लोगों को बोलो, मेन्यू
और धीरे रिया भी वेट कर रही है, रिया का वो कुछ ज्यादा ही भूख लगा हुआ है। टेबल पे आगे रिया क्या वो नहीं मिला गया, तुमको नहीं मिला गया, मिलेगा चिंता मत करो। मम्मी को ज्यादा ही भूख लगा है, वो तो वेट भी नहीं कर रही है दूसरा प्लेट आने का। बेटा जैसे आते तो शुरू हो गया, और ये भी विराज भी आते तो शुरू हो गया, फिर मेरा थाली भी लग गया और रिया का भी। दोस्तों हम लोग खा लेते हैं पहले, बहुत भूख लगा हुआ है। ठीक है, अभी भी खाया ना आइसक्रीम, फिर बाद में खाया, अभी भी खाया कितना लिया? अच्छा, ये देखो कितने, आप लोग भी खा लीजिए। मंदिर में ही आज का पूरा दिन हम लोग मंदिर के लिए ही रखे, और ये भी बोले थे कि ये आज का पूरा दिन मंदिर में ही बिताया जाएगा, क्योंकि हर रोज काम करते हैं हम लोग, कभी कभार मंदिर में भी आके अच्छा लगता है, शांति रोज का भाग दौड़ कर जिंदगी से आज थोड़ा शांति, एकदम आराम से खाया यहाँ का पूरी सब्जी, बहुत ही टेस्टी, बिना मिर्ची बिना मसाला का, यहाँ तक कि नमक भी एकदम कम था, बहुत अच्छा लगा खाना खा के यहाँ का। सोने का मन बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, जगना बहुत मस्त नरम नरम घास पे सो जाए, हरा भरा है चारों तरफ, हम लोग को भी खाने के बाद इन लोगों का मन हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आराम रिलैक्स किया जाए। हाँ यहाँ सो भी सकती है, कितना साफ सुथरा है, देखो अनिल कपूर का वाइफ लग रही है, अनिल कपूर ही लग रही है, अनिल कपूर की वाइफ हम नहीं देखे हैं, हम उसको वाइफ को नहीं देखा, गलती बोल दिया, अनिल कपूर ही लग रही है, अनिल कपूर की पोती, जासूस लग रही है, देखिए अनिल कपूर और जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड पाकिस्तान से तो गाइस अभी हम लोग जगन्नाथ टेम्पल तो पूरा घूम चुके हैं, तो अभी हम लोग जगन्नाथ टेम्पल के पास में घनीकर पार्क है, तो हम लोग अभी वहाँ पर भी जाने वाले हैं, तो वहाँ का भी वीडियो क्लिप करेंगे। मेरे पास बहुत शक्ति है, मैंने पानी पी लिए, आइसक्रीम भी खाया, हाँ 50 रुपीज का आइसक्रीम भी खाया है। मुझे मेरा फीमेल अनिल कपूर, हेलो अनिल कपूर को चुरा लिया मैंने, मतलब चलने का इरादा है या नहीं, जल्दी बोलो, नहीं लग रहा, किसी किसी जाना, तुम्हें जाना नहीं जाना, हम यही सोएंगे, तुम अभी टायर्ड फील नहीं कर रही हो विराज, जाने का इरादा है नहीं, ना आज यही रहना, मधु मधु चश्मा देता, तुम्हें जाना या नहीं जाना, माथे के ऊपर है चश्मा, चश्मा जो है माथे के ऊपर है और ढूंढ रही है चश्मा कहाँ है, लेकिन सही में टायर्ड हो गई है, काला चश्मा जचता रे, काले काले मुखरे पे, गोरे मुखरे पे था ना, काले काले मुखरे पे, एक्चुअली वो काली हो गई इसलिए बोल रही है काले काले मुखरे पे ऐसे घूमते, मम्मी का घूमना अलग ही होता है ना। को भगा रही है, क्या लेके आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, 10 का था दीदी जो है पैसा दी थी 20 रुपए का, बहुत प्यास लग रहा था, क्या है 200 लेके आता, चलो हमें भी दो, हमें भी दो, कौन गया अभी दीदी, हमको बहुत प्यास लग रहा है, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, और मैंने सनग्लासेस पहन लिए क्योंकि उससे अब धूप है इसीलिए, और अभी अभी अगर खनिकर पार्क खुला होगा तो हम लोग वहाँ पर भी जाके क्लिप डालेंगे, वरना तो नहीं नहीं, अगर खुला रहेगा तब भी शायद पापा का अगर मन नहीं गया, वैसे फोन में भी चार्ज तो बिल्कुल नहीं है, और एक और फोन है उसमें चार्ज है लेकिन उसका पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो फिलहाल को जाके देखते हैं खुला है कि नहीं, चलिए निकलते हैं मंदिर से और घूमना है, छोटा उसका लेक्चर मार गया, चलिए ओके गाइस, तो अभी मैंने ये चूज किया, मुझे ये चाहिए यहाँ पर, मैंने बहुत दिनों से मुझे चाहिए था, अगर पापा नहीं जीता था मुझे आज दिखा, तो मैंने पापा जीत किया, तो पापा मैंने दिला दिया, भैया 20 मिनट दीजिए, भैया 20 मिनट एकदम, 30 मिनट उस दिन 20 मिनट रहता था,
सब महंगा है। ये ब्लू वाला दीजिए, ये ब्लू वाला दीजिए, ये ब्लू वाला दीजिए। अच्छा तो आप यहाँ पे ले रहे हैं, दीदी वहाँ पे ले रही है, हो गया पसंद हो गया। कौन सा लिया देखें, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला एक्चुअली लिया है, क्यों इससे बुलबुला उड़ा सकते हैं, मुझे बहुत पसंद। तुम्हारा क्या पसंद हो रहा है? अरे ये हाथ में पहनने वाला, हाथ में ब्रेसलेट, ऐसे तो मुझे भी चाहिए।